हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फंड के यूट्यूब चैनल पे जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज के इस लेक्चर में मैं शुरू कर रही हूं क्लास नाइन्थ की सिविक्स अभी तक हमने ज्योग्राफी करी पॉपुलेशन चैप्टर लास्ट हमने किया था और आज मैंने सोचा बहुत डिमांड थी एक्चुअली कॉमेंट सेक्शन में कि मैम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करा दो तो बस आपका हुक्म तो मुझे मानना ही है तो मैं वन शॉट में लेके आई हूं आपके लिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर देखिए बेटा इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पीछे का बताना चाहूंगी यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस कहाँ की है ये इंस्टीट्यूशंस है हमारी डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और इस लोकतंत्र में लोगों का होता है बहुत ही बड़ा रोल तो बस इस रोल को अदा करने में जो इंस्टीट्यूशंस बड़ी बड़ी काम करती हैं लोगों को खुश करने के लिए लोगों के लिए देश को चलाने के लिए बस उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो बस बिना देर के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस देखिए बेटा सबसे पहले तो डेमोक्रेसी क्या होती है तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स ये तो आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी में पढ़ा ही है कि डेमोक्रेसी होती क्या है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ़ द पीपल लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट कर देना ही डेमोक्रेसी है इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स अब जिनको हमने चूज किया है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ यार देखो सिंपल सी बात है मैं तो देश को आपकी क्लास से कंपेयर करके चलूंगी पूरे चैप्टर में क्योंकि यहां से आपको आएगा बिल्कुल ही समझ एक क्लास में जब हम एक मॉनिटर को जब एक बच्चे को हम मॉनिटर बना देते हैं तो पूरे क्लास के बस उसका मॉनिटर बन जाना इज लाइक एवरीथिंग उसको मॉनिटर की पोजीशन पे बने रहने के लिए करनी पड़ती है बहुत सारी मेहनत टीचर्स के बात को मानना पड़ता है बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ता है टीचर्स के रिस्पेक्ट से भी और बच्चों के रिस्पेक्ट से भी तो यहाँ पे भी जो रूलर्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट हो गए यही यहाँ पे ही इनका काम खत्म नहीं होता बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो सिविक्स है हमारी जो पॉल साइंस है इट्स ऑल अबाउट प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस दे हैव टू वर्क विद एंड विद इंस्टीट्यूशन बेसिकली इनको एक लिमिट में काम करना पड़ता है उनके पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं आज दी कोई ये मोनार्की या डिक्टेटरशिप नहीं है ये है डेमोक्रेसी जहां लोगों ने चूज किया है जिसको उसे लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर उसको अपनी पोजिशन पे बने रहना है तो राइट right? चलिए हाउ इज मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन कैसे लिए जाते हैं गवर्नमेंट का ऑर्डर देखिए बेटा ये अब देखो सिविक्स है तो कहानी तो होगी ही अब हम कहानी से शुरू करने जा रहे हैं कहानी में पहले हम प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट तो नहीं है हम लोग 1990 की बात करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे भी तो देखिए बेटा क्या कह रहे हैं अगस्त 13 1990 मैं भी पैदा नहीं हुई थी उससे पहले की बात है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम तो बेसिकली जब एक लॉ एक रूल पास होता है वो पास होता है ऑफिस से और मेमोरेंडम मतलब लॉ रूल तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑफिस मेमोरेंडम क्या था इसके अंदर एन इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर सेवरल इयर्स जब ये आया ना इससे बहुत प्रोटेस्ट हुए बहुत प्रोटेस्ट हुए जब ये ऑफिस मेमोरेंडम आया ये इस ऑफिस मेमोरेंडम की सीरीज है हर एक ना ऑर्डर की एक सीरीज होती है और उसमें डेट भी लिखी होती है थर्टीन ऑगस्ट नाइनटीन डेट भी मेंशन है बात ये नहीं है ये इसका सीरियल नंबर क्या है बात ये है कि इस ऑर्डर में ऐसा क्या था जो कंट्रोवर्शियल हो गया लोग प्रोटेस्ट करने लग गए पहली बात तो इसको साइन किया जॉइंट सेक्रेटरी ने एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर तो जॉइंट सिक्योरिटी क्या होता है जॉइंट सिक्योरिटी ने खुद ये किया या इनसे करवाया गया क्या थी पीछे की कहानी ये जाननी पड़ेगी तभी जाके पता चलेगा ये लॉ कैसे पास हुआ अभी भी ये नहीं पता चला लॉ में क्या है लेकिन ये लॉ पास हुआ जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोगों के दिमाग खलबली कर देने वाला था इस ऑर्डर ने अनाउंस किया एक बहुत ही बड़ा डिसीजन डिसीजन था 27 परसेंट वैकेंसी देने का किसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देखिए बेटा दो है एसई बी सी भी दो है सोशली एंड एजुकेशनली अभी आगे आएगा सोशली एंड इकोनॉमिकली भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेशनली की तो एस ई बी सी इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट जैसे एस सी एस टी ओ द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टेकन टिल द अवेलेबल ओनली अभी क्या था जॉब रिजर्वेशन किसको मिल रही थी सिर्फ SC's और ST's को अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड एसई बी सी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी जो भी बैकवर्ड क्लासेस से होंगे वो एलिजिबल होंगे कोटा के कोटा मतलब रिजर्व होंगे उनके लिए सत्ताइस परसेंट जॉब्स और बाकियों को मतलब इनको बाकी लोगों से कंपेयर कंपीट करने की जरूरत नहीं है ये सत्ताइस परसेंट सीटों पर सिर्फ ये एसई बी सी ही बैठ सकते उन जॉब्स को सिर्फ यही छीन सकते हैं ले सकते हैं

मेजर डिसीजन इनवॉल्व समेर फंशनरीज ऑफ आर कंट्री फंक्शनरी कौन होते हैं जो देश के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो तीन है कौन तीन है प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियमेंट प्रेजिडेंट क्या है प्रेजिडेंट है स्टेट पापा ऑफ द स्टेट राइट हेड ऑफ द स्टेट इनके पास देखिए ज्यादा पावर नहीं होती लेकिन इनकी डेजिग्नेशन सबसे ऊपर है कंट्री में हेड है ठीक है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर ही सारे डिसीजंस लेते हैं जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं एंड पार्लियामेंट पार्लियामेंट बेसिकली इज अ हाउस इन विच लोकसभा एंड राज्यसभा रिजाइड

कि जो ऑफिस मेमोरेंडम आया इसका पीछे से क्या कहानी थी तो 1979 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अब आप कहोगे सेकंड बैकवर्ड फर्स्ट कहा है फर्स्ट भी आई थी पहले नाइनटीन ट्वेंटी के अराउंड आई थी उनको भी ये जिम्मा दिया गया कि आप फाइंड आउट करो कौन से ऐसे बैकवर्ड क्लासेस हैं और हमें रिपोर्ट करो तो जब इन्होंने रिपोर्ट किया तो उस रिपोर्ट को कहा गया कि आपने ढंग से सर्वे नहीं किया है और उसको खारिज कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया तो आई सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस हेडेड बाय बी मंडल एंड दस कॉल्ड मंडल कमीशन तो बीपी मंडल जी इनको हेड कर रहे थे और तभी इस कमीशन का नाम दिया मंडल कमीशन द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस बाय प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑन 29 जनवरी 1953 फिफ्टी थ्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेकर इट इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन नाइनटीन में कन्फर्म हो गई थी और उसके बाद ये ज्यादा यू नो सक्सेस नहीं हुआ इसके अंदर तो तभी सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आई जिसे मंडल कमीशन कहा गया ठीक है बेटा? फर्स्ट सक्सेसफुल नहीं हुई क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई दोशली एंड एडुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि इनकी लाइफ में एडवांसमेंट आए इंप्रूवमेंट आए The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. Basically, जब ये 1955 में first commission आई तो उन्होंने बहुत सारी reports दी जो मैंने आपको बताया अभी लेकिन इस report में ये जो discussion किया गया इन demands पे implementation नहीं हुआ इसके बाद इन्होंने सेकंड वाले ने सर्वे किया और कहा कि 27% परसेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो रिजर्व की जाए सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर आपको इन क्लासेस को भी नॉर्मल क्लासेस के बराबर लाना है देखो बेटा मुझसे ना ऑफलाइन बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम ये क्यों है ऐसा क्यों है एस सी एस टी ओबीसी को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है मैं आंसर देती हूँ आपकी वजह से बात है, आप मतलब आप की से, हम की से। बहुत गंदे लेवल का, <coughs> <I'm sorry, coughs> का भेदभाव किया जाता था एस सी एस टी ओबीसी के साथ इनको चूड़ा क्लासेस कहा जाता था चूड़े हैं इनको ग्लास में पानी मत दो इनको डिस्पोजल्स यूज करने के लिए कहा जाता था घर में एंटर नहीं करने दिया जाया जाता था आज भी ऐसे घर है जिनकी मेड्स की प्लेट वो अलग रखते हैं ग्लास वो अलग रखते हैं तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी और इसी वजह से ये रूल लाना उस समय के लिए जरूरी था इलेक्शन <coughs> ऑफ 1989 में आए इलेक्शन इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल देखो जनता दल ना एक पार्टी थी जो कंपीट कर रही थी और उस टाइम पे लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा था वो रिजर्व सीट्स वाला इन्होंने ना कहा कि <coughs> आप हमें चुन लो हम आपका ये प्रॉब्लम को कर देंगे रिजोल्व हम दिलवाएंगे इनको रिजर्व सीट जनता दल वन इलेक्शंस और लोगों ने इनका किया सपोर्ट और ये जीत गए वीपी सिंह जो थे वो इनके पीएम थे मतलब इनके लीडर थे जो पीएम बन गए और इन्होंने डिसाइड किया टू इंप्लीमेंट रिजर्वेशन सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट इन्होंने कहा ठीक है हम रिजर्व करेंगे लेकिन कुछ चीजें उसमें एड ऑन होंगी इंप्लीमेंटेशन क्या थी इन इज एड्रेस दार्लियमेंट देंट डिक्लेयर द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडन हाँ ये जो कमीशन में आया है इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे यूनियन कैबिनेट ऑन सिक्स नाइन टू का फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन अभी ये वोला टाइम आ गया तेरह अगस्त वाला है ना अगस्त वाला टाइम आ गया ना तो बस ये वही वाला टाइम है जिसके अंदर अब क्या हो रहा है वो ऑफिस uh, मेमोरेंडम आएगा नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियमेंट अब थ्रू स्टेटमेंट इन वोट द हाउस ऑफ पार्लियमेंट डिसीजन जो था अब steps हैं, देख रहे हो स्टेप है पी एम ने ऑर्डर दिया वो गया कैबिनेट के पास एंड देख गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के पास उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने इस ऑर्डर को किया अप्रूव मिनिस्टर्स के अप्रूवल लिए एंड ऑफिसर ने साइन किया ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्टीन अगस्त नाइनटीन तो ऐसे आया ऑर्डर आप देख रहे हो कितना प्रोसेस लंबा है भैया कभी तो डिलेन डिसीजन होता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी क्विक डिसीजन नहीं हो पाते हैं लेकिन क्वालिटी डिसीजन होते हैं तो यहां पे इतना लंबा प्रोसेस हुआ कब से चलता आ रहा है देखा जाए तो 1955 से जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लास आई वहां से यह प्रोसेस चल रहा है फिर सेकंड आई बातचीत हो रही है रिजर्वेशन लाई जा रही है कहाँ कहाँ नहीं भेजा जा, जा रहा है पर्सोनल के पास भेजा जा रहा है मिनिस्टर्स के पास भेजा जा रहा है कैबिनेट के पास भेजा जा रहा है उसके बाद जाके वो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उसको साइन किया है तो तब जाके ये बना है लॉ रूल ऑफिस मेमोरेंडम का तो वेन द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज पास इन इंडिया इट वॉज अ हॉट डिबेट हॉट डिबेट का मतलब है गरम-गरम खबर जो लोगों के बीच में उस टाइम काफी ज्यादा यू नो पेस में थी लोग यही बात कर रहे थे सम फेल दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाय इक्वालिटी ऑफ कुछ तो यार कह रहे थे देखो बिल्कुल सही बात है कुछ लोग इसके खिलाफ थे कुछ लोग इसके साथ थे कुछ लोग कह रहे थे ये तो भैया डिस्क्रिमिनेशन लाने का एक तरीका है ये तो आप जनरल्स को ऐसी ऐसी को इक्वालिटी नहीं दे रहे हो आप इक्वालिटी की बातें करते हो डेमोक्रेसी में और आप खुद ही इक्वालिटी नहीं दे रहे हो कुछ लोगों ने कहा नहीं ये एक फेयर अपॉर्चुनिटी है उस नीचे वाले सेक्शन को जनरल्स के बराबर लाने का जो जनरल्स अलाव नहीं करते हैं दोनों तरफ की बातें थी सिक्के के दो पहलू थे नाउ हु रिजोल्व दिस डिस्प्यूट आपको पता है अगर कोई भी लॉ पसंद नहीं आता है ना तो आप कहां जाओगे पता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाओगे और सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाया गया 1992 और केस का नाम आया इंदिरा साने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीन नंबर में भी आ सकता है कि क्या था इस केस में क्या है ये ये मर्ज था केस सारे के सारे प्रोटेस्ट जो चल रहे थे इस रेजर्वेशन के अगेंस्ट के रेजर्वेशन क्यों हुआ वो सारे केसों को इकट्ठा किया गया और ये केस बनाया गया जो लड़ा जा रहा है सरकार के साथ कि आप ये रूल कैसे ला सकते हैं 11 जजेस बेंच इन मेजॉरिटी डिसीजन बेंच मतलब पहले ना क्या होता था ऐसे बड़े-बड़े जजेस बैठते थे ऐसे बेंच पे और तब डिसीजन लिया जाता था तो 11 लोग बैठे 11 जजेस बैठे एंड डिसीजन डिक्लेयर द मंडल सही है एक होता है दो तरीके के एक्चुअली पोर्शन होते हैं एक ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो कास्ट वाइज बैकवर्ड है लेकिन मनी वाइज दे आर ओके लेकिन एक जो कास्ट वाइज बैकवर्ड तो है लेकिन मनी वाइज भी बैकवर्ड है तो सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस तो इन्होंने कहा यहां पे के साथ इकोनॉमी भी 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 डालो भी डालो पैसा भी डालो इकोनॉमिक्स पैसा एट द सेम टाइम द द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर इट सेट दैट वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन्होंने कहा अब जो भी सोशली एंड इकोनॉमिकली होगा यानी कि पैसों के साथ भी पुअर होगा उसी को ये रिजर्वेशन मिलेगी जिसकी कास्ट बैकवर्ड है और वो इकोनॉमिकली ठीक है उसको नहीं मिलेगी

नीड फॉर पॉलिटिकल institutions. अब बात करते हैं हमारे देश में इन इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज ऑब्वियसली बात है एक क्लास को ही संभालना इतना मुश्किल है तो एक देश को संभालना कितना मुश्किल होगा भाई तो इसके लिए हमें क्या चाहिए फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ केयर एजुकेशन सिक्योरिटी हम सब कुछ डाल देते हैं सरकार पे। सरकार ये देखो कूड़े का ढेर सरकार कुछ नहीं ये देखो ट्रैफिक सरकार कुछ नहीं कर ये देखो एक्सीडेंट सरकार कुछ नहीं कर रही हमारे मुंह से ये सरकार तो निकलना बहुत आसान होता है लेकिन सरकार का इतने बड़े देश को संभालना बहुत मुश्किल होता है इसलिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करेंगे तो सरकार बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएगी सम पर्सन है इसी के लिए हमें चाहिए कौन इंस्टीट्यूशन

Chalye. government collects taxes and spends the money thus raising administration defense and development programs it formulates and implements several welfare schemes so sarkar bahat saribadathri kala education wise health wise uh, roads wise allagalla wise they spend money and try to uplift the standard of living of people to attend to, uh, sorry, to, attend to all these taxes कहा जाता है इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी वर्क वेल वेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू दिन को बांट दिया गया काम कोई क्लासेज नहीं बचेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन आप इनके बारे में क्लास टेंथ में पढ़ेंगे आपको पता है जहां जहाँ से पैसा आ रहा है देश को वो भी बांटा हुआ है कि कौन सी सरकार रखेगी स्टेट गवर्नमेंट रखेगी सेंट्रल रखेगी या लोकल रखेगी ताकि कोई लड़ाई ही ना हो सब बांट रखा है क्योंकि अगर सरकार लड़ेगी तो लोगों को क्या लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेस डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन अब आते हैं थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट देखिए बेटा तीन ब्रांचेस कौन सी है एक है लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव बनता है मिनिस्टर्स से क्योंकि मिनिस्टर्स बनाते हैं लॉ दे मेक लॉ राइट नाउ एग्जीक्यूटिव जो करते हैं इन लॉज को इंप्लीमेंट जो लॉ बन गया उसको ये करेंगे इंप्लीमेंट लागू फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया होमवर्क ठीक है मैंने दिया होमवर्क तो मैं हो गई लेजिस्लेटिव आपने उस होमवर्क को किया एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट तो आप हो गए एग्जीक्यूटिव ठीक है और फिर आया जुडिशरी जुडिशरी बताता है कि ये सही है या गलत है ये इवेल्यूएट करेगा जो लॉ आ रहा है वो सही है या गलत है तो बेसिकली समझ में आया अगर एक टीचर एक होमवर्क दे रहा है तो वो टीचर जो है वो लेजिस्लेचर है क्योंकि वो सिर्फ असाइन कर रहे है। जो कर रहा है बच्चा वो एग्जीक्यूटिव है और जब वो नोटबुक चेक होने जाएगी सपोज किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास दैट इज प्रिंसिपल मैम के पास स्टैंप लगने जानी है तो वो हो गया जुडिशरी जो बताएगा कि मैम ने भी काम सही कराया है या नहीं कराया है और अगर नहीं कराया तो उसमें लाए जाएंगे चेंजेस इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव ले है एग्जीक्यूटिव है जुडिशरी है पार्लियामेंट में दो है राज्यसभा है और लोकसभा है लोकसभा बेसिकली एक लोअर हाउस होता है और राज्यसभा होता है अपर हाउस अभी पढ़े होंगे हम इसके बारे में प्रेजिडेंट तो हो ही गया और सुप्रीम कोर्ट तो हो ही गया नाउ प्राइम मिनिस्टर ये लेते हैं सारे के सारे डिसीजन पॉलिसी मेकिंग करते हैं सिविल सर्वेंट्स का काम बहुत बड़ा होता है सिविल सर्वेंट्स का काम होता है इम्प्लीमेंट करना सिविल सर्वेंट्स आते हैं एग्जीक्यूटिव वाली पोजिशन पे दुनिया पागल है आई बनने के लिए ऐसे ही नहीं है क्योंकि तो मेजर काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स तो बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल कि क्या डिसीजन लिया कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट इज द समझ में आया ये क्या है स्लाइड दिस इज फॉर बेसिकली ये समझ लो ये लेजिस्लेटिव हो गए मिनिस्टर्स ये हो गए एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड ये हो गया आपका जुडिशरी लेवल जो फाइनल डिसीजन बता रहा है नाउ वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट एट ऑल इजी अरे यार यहाँ पति का पत्नी के साथ काम करना आसान नहीं है पत्नी का पति के साथ काम करना आसान नहीं है यहाँ तो इंस्टीट्यूशन के साथ सरकार को काम करना है बैलेंस बना के रखना है बहुत प्रेशर होता है। मैं ना हमारे मुंह से निकालना बहुत आसान है गवर्नमेंट ने ये नहीं किया गवर्नमेंट क्या कर रही है मोदी क्या क्या कर रहा है ये क्या कर, करना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है अगर आपको एक क्लास संभालने को दे दी जाए आपको घर संभालने को दे दिया जाए आप नहीं संभाल पाएंगे तो ये तो देश है तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कमिटीज होती हैं मीटिंग्स होती हैं इसीलिए जो डिसीजन uh, होता है वो डिले हो जाता है लेकिन ये डिले यूजफुल होता है क्वालिटेटिव होता है दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन एंड दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ डिसंट्री नाउ इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्टे गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली देखिए बेटा डिक्टेटरशिप में तो क्या होता है राजा होता है राजा को अपना डिसीजन यू फेंकना होता है लोगों पे प्रजा पे और प्रजा को मानना पड़ता है लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा ना कभी लेकिन यहाँ पे इसको करेक्ट करने का एक रूम दिया जाता है ये हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी चैप्टर में भी पढ़ा है आप ही की क्लास में अब हम बात करते हैं हमारे सबसे बड़े घर देश का सबसे बड़ा घर पार्लियामेंट के बारे में वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट भाई क्यों क्या काम है पार्लियामेंट का इन ऑल डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इंडिया में ऐसी ही असेंबली को कहा जाता है पार्लियामेंट एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली तो स्टेट लेवल पे इसको कहा जाता है लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली मैं आपको सिंपल सी अगर एक बात बताऊं तो वो ये है कि हमारा जो पार्लियामेंट है अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखो और अगर आप स्टेट लेवल पे देखो सेंट्रल लेवल पे यहां पे आ जाते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा ठीक है ये होते हैं अपर हाउसेस और इसमें जो भी मिनिस्टर्स बैठे होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एम पीस पे स्टेट में जो होते हैं आपको क्या लगता है स्टेट मतलब क्या हर एक जना वहां जाके पार्लियामेंट में बैठ जाए क्या पॉसिबल है हर एक बंदा जाके पार्लियामेंट में बैठ जाए डिसीजन मेकिंग में नहीं है पॉसिबल तो इसलिए हम क्या बना देते हैं लीडर्स बना देते हैं फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लासेस की मीटिंग होने है तो हर क्लास से एक मॉनिटर आ गया तो ऐसे ही होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें हम बोलते हैं एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट से हर एक प्रोविंस से एक आदमी वहां बैठा होता है जो स्टेट के लिए काम कर रहा होता है पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन ले रहा होता है अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ये होते हैं ये कि बाय एम पी होते हैं और यहाँ एम एल ए होते हैं नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पार्लियामेंट तो क्या है रोल ऑफ पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी होती है जो इन्हीं के हाथ में होती है कंट्री के लॉ बनाने की ये हेडिंग्स हैं और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है सीधा सीधा आंसर है सीधा सीधा आंसर कि भैया बताओ रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है क्वेश्चन आंसर तो ये, ये है तो मेन टास्क क्या है लॉ मेकिंग लॉ बनाना और लॉ बनाने का काम है लेगिस्लेचर देखेंगे क्योंकि मैंने बताया लेगिस्लेचर आर द वन हु मेक लॉज

हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट तो बेसिकली यही एक जगह है जहां पे आप किसी भी मैटर पे डिस्कशन कर सकते हो और उसका रिजल्ट का रीजन भी पूछ सकते हो नाउ Since parliament plays a central role in modern democracy, most large countries divide the role of powers of parliament in two parts. Basically, they are called the chambers of houses. One house is usually elected, uh, sorry, directly elected by the people and exercises the real power on behalf of the people. Basically, यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों से इलेक्ट किया जा रहा है, और दूसरा house हाँ जो होता है, वो usually indirectly कुछ special functions perform करता है, और ये बात कर रहे हैं. राज्यसभा की ठीक है बेटा लोकसभा होता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेकिन ये होता है लोगों का घर तो ये पावरफुल ज्यादा होता है लो होने के बावजूद राज्यसभा में आता है अपर हाउस लेकिन यहां लोगों का ज्यादा रोल नहीं है इसलिए ज्यादा पावरफुल रही है

बेसिकली अभी की प्रेसिडेंट है और मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है प्रेसिडेंट का काम थोड़ा कम होता है वो नजर में कम आते हैं प्राइम मिनिस्टर सबको पता होगा लेकिन प्रेसिडेंट हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो कारण यही है कि ये हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं लेकिन का काम थोड़ा कम होता है ये नजर में कम आते हैं ये हाइएस्ट अथॉरिटी है वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक पार्ट है और लॉज मेड इन द हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट साइन जब तक प्रेसिडेंट के नहीं होंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा ठीक है व्हिच ऑफ द टू हाउसेस इज मोर पावरफुल राज्यसभा या लोकसभा बताइए जल्दी से आप के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा पावरफुल है मैंने अभी पीछे बता दिया था वैसे गलती हो गई लेकिन स्टिल राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है या लोकसभा लोकसभा मतलब लोगों की सभा राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा यानी कि स्टेट की सभा तो हु इज मोर पावरफुल तो द मोर पावरफुल वन इज लोकसभा क्योंकि ये लोगों की सभा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट लोग तो इट माइट अपियर दैट राज्यसभा पावरफुल होगी क्योंकि अपर चमर uh, uh, है बट दिस नॉट मीन द राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एक लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की लेकिन वैसे पावरफुल ज्यादा है लोकसभा तो आर कॉन्स्टिट्यूशन दस गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर आपको पता है कोई लॉ भी अगर आता है कोई रूल अगर आता है Uh, राज्यसभा और लोकसभा से पूछा जाता है तो लोकसभा की बात होती है राज्यसभा उस लॉ को सिर्फ सिर्फीन डेज के लिए डिले कर सकते हैं मतलब कंसल्ट कर सकते हैं कि एडवाइस कर सकते हैं लोकसभा को कि आप इसको ऐसा कर लीजिए लेकिन वो लॉ सिर्फ 14 डेज के लिए डिले कर सकते हैं उसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते लोकसभा तब वो 14 डेज में कन्विंस होती है तो वो चेंज हो जाएगा नहीं होती तो वो अपना लॉ जो लागू करना चाह रही थी वही होगा एनी ऑर्डिनरी लॉ तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं हम हमारे हाउसेज के बारे में नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस कोई भी लॉ दोनों हाउसेस के पास जाएगा अगर कोई डिफरेंस होगा तो एक जॉइंट सेशन होगा लेकिन लोकसभा की बात ही प्रिवेलेंट मानी जाएगी मॉनेटरी मेथड्स मॉनेटरी मतलब मनी टर्म्स में मेथड्स जो होंगे वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती राज्यसभा सिर्फ इसको फोर्टीन डिलेज तक फोर्टीन डेज तक डिले कर सकती है अगर लोकसभा उसकी चेंजेस को मानना चाहे

आपको क्या लगता है पीएम मोदी को बीच में नहीं हटा सकते बिल्कुल हटा सकते हैं अगर मैक्सिमम वोट्स उनके अगेंस्ट चले जाए तो द राज्यसभा डज नॉट हैव हाँ दिस पावर ये लोकसभा के पास है ज्यादा मेंबर्स अगर बोल देंगे कि नहीं ये मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है ओपोजिशन पार्टी अगर कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करेगी तो उनकी बात मानी जाएगी एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल गवर्नमेंट executive. Executive की इसीलिए जब हम बात करें हैं गवर्नमेंट के बारे में तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में क्योंकि तो हम गवर्नमेंट के, तो के बारे में बात तभी करते हैं जब कोई लॉ रूल हमारे मतलब का हमें चाहिए होता है और वो रूल और लॉ एग्जीक्यूट करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ठीक है क्लियर है कोई डाउट आए यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा प्लीज नाउ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव अब एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ठीक है ये क्वेश्चन आ जाता है नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी तो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो फिर यू नो गवर्नमेंट के साथ चेंज होते हैं गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले होते हैं जो गवर्नमेंट का वो फाइव ईयर्स का टाइम स्पैन खत्म हो जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए एग्जीक्यूट किए जाते हैं जैसे कि सिविल सर्विसेज करने वाले सिविल सर्वेंट्स ये ऑफिस वे, इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस ये तब भी वहां पे टिके रहते हैं बिकॉज दे आर परमानेंट इन नेचर ये ऑफिसर्स जो होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं और उनको असिस्ट भी करते हैं उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में तो दे आर मोर नॉलेजेबल बल्कि दे आर परमानेंट बट दे आर मोर नॉलेजेबल व्हाई डस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्विट क्वेश्चन आ जाता है ये दो तरीके का है और सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेट एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको इकोनॉमिक्स के बारे में फाइनेंस के बारे में सब पता होता है कई बार मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको बहुत कम पता होता है दिस कूड ईजिली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस इंडस्ट्री हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी माइंस एटसेट्रा तो कहने की बात यह है कि जो पॉलिटिकल वाला है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है अलग अलग मैटर्स में ठीक है वाई शुड द मिनिस्टर है फाइनल से क्यों होना चाहिए भाई डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए सुप्रीम है मिनिस्टर जो है वो लोगों के द्वारा असाइन किया गया है मिनिस्टर ही बेसिकली लोगों को आंसरेबल होता है इसीलिए मिनिस्टर को ही सारे के सारे डिसीजन लेने होते हैं क्योंकि अगर किसी और ने डिसीजन लिया आंसरेबल तो मिनिस्टर है लोग तो मिनिस्टर से पूछेंगे द मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द मैटर्स द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स वो एडवाइस लेके ही बेस्ट डिसीजन लेते हैं लोगों के लिए आ गया ना क्वेश्चन उसका आंसर आ गया जो मैंने पीछे एग्जांपल्स नहीं नहीं दे रखे हैं कौन कौन होते हैं इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं ये सारे फाइनल डिसीजन लेते हैं और ज्यादा पावरफुल होते हैं लेस पावरफुल होते हैं और इसलिए डिसीजन नहीं लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है दिस डिफ्रेंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में गुस्सा मत होना मैंने मोदी जी की फोटो नहीं लगाई आगे कहीं आएगी प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन ऑन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेजिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर कैसे होते हैं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट आइए देखते हैं

प्रेजिडेंट अपन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजोरिटी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट है फिक्स इन योर ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेंस द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी जो आपको पता है हमारे देश में पांच साल है पांच साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे अगर वो दोबारा जीतेंगे तो कंटिन्यू करेंगे नहीं जीतेंगे तो वो नहीं कंटिन्यू करेंगे जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो सेकंड टाइम पी एम बने हुए आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द अदर मिनिस्टर्स जो उनके लिए एडवाइजरी होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे प्राइम मिनिस्टर minister अपने मिनिस्टर्स को चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है पर्सन जो कि एक मेंबर होता है पार्लियामेंट का वो भी एक मिनिस्टर बन सकता है लेकिन ऐसा पर्सन जो होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा पार्लियामेंट के हाउसेज हाउस house में से सिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर मतलब कि वही बन सकता है जो पहले छह महीने से वहां पर एज अ एम पी एज एन एम बैठा हुआ है वही बन सकता है ये नहीं अभी अभी आए और बन गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये ऐसे ऑफिशियल मिनिस्टर्स होते हैं ये मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है ये यूजुअली सिक्सटी टू एटी नंबर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के यानी कि लोअर मिडल एंड अपर रैंक टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु मिनिस्टर टू टेक डिसीजन दे आर द एडवाइजर्स कैबिनेट इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीच के जो होते हैं वो ट्वेंटी फाइव होते हैं जो सबसे क्लोज होते हैं मिनिस्टर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के सौरा का सौरा चैप्टर ना यही है कौन है कैसे है कितने इंस्टीट्यूशन है all about processes and learnings सब कुछ ऐसा है सब कुछ लेकिन आपको पावर्स लर्न करनी पड़ेगी दैट्स इट और ये आपको देश के लिए वैसे भी याद करनी भी चाहिए यार इतना तो पता होना चाहिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज देर पार्टिसिपेट इन द देखो कभी कभी जब बुलाया जाएगा तब इनको अलाउ किया जाएगा मैंने आपको बताया टॉप हो गया मिडल हो गया और लोअर लेवल हो गया तो टॉप वाले तो हमेशा बैठेंगे इनको जब बुलाया जाएगा तब और इनको तो बुलाया नहीं जाता इनको तो बस ऐसे ही रखा होता है नीचे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती खुद की गवर्नमेंट में इनको असाइन किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को असाइन करने के लिए यानी कि टॉप लेवल को असाइन करेंगे और इनकी हेल्प करेंगे इनके स्केड्यूल्स मीटिंग्स वगैरह बनाएंगे इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली हर एक चीज को डिस्कस करने के लिए साठ से अस्सी लोग नहीं बैठ सकते हमेशा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्री इज ऑफन नोन एज अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवरी मिनिस्टर्स के पास क्या होते हैं सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये सेक्रेटरीज जो होते हैं ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन

ज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर अब प्राइम मिनिस्टर की पावर्स लिखी हुई है बेटा यहां पर सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट मीटिंग्स अरेंज करता है कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिसीजंस देखता है और डिपार्टमेंट्स में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करता है ये सुपरवाइज़ करता है मिनिस्ट्रीज के कामों को ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क को और ये पावर को डिसमिस भी कर देता है अगर कोई मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा होता हर एक मिनिस्टर इनके लीडरशिप के अंडर काम करता है और जब प्राइम मिनिस्टर छोड़ता है तो उसकी पूरी मिनिस्ट्री को गद्दी छोड़नी पड़ती है

तब नमस्ते करो मोदी जी को हमारे पीएम आ गए हैं लिमिटेशंस क्या है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की राइज कोलेशन का मतलब क्या होता है पता है कोलेशन का मतलब होता है यूनियन लेवल पे जैसे बीजेपी है और स्टेट लेवल पे आम आदमी पार्टी आ गई तो कोलेशन हो गया अलग अलग पार्टीज अलग अलग लेवल पे जब रूल कर रही होती है तो राइज ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स आई इम्पोज सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द द ऑन पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलेशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स he has to accommodate with different groups and factions of this party जिसके साथ वो coalition में है basically Delhi बे सेंट्रल का ही रूल है क्योंकि डेली इज union टेरिटरी बट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल को अगर कोई डिसीजन लेना है स्टेट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए Has to need to the views of uh, and position of the coalition partners and other parties and on whose support the survival of the government depends. So basically, they have to consult the state government. Obviously, they cannot take an, a decision alone. The president. The president. Ha. Huh.

क्या है पावर्स ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट सारे लॉज बनते हैं इनके साइन के साथ बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स बड़े बड़े जस्टिस बड़े बड़े हाई कोर्ट्स इनके डिसीजन से चलते हैं इंटरनेशनल कोई भी अगर रूल होता है ट्रेटी ट्रेटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट

वट ड प्रेजिडेंट रियली डू ये करते क्या है एक्चुअली बस ये साइड करते हैं देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स शी शुड डू ऑन हर ओन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर मैंने बोला ना सबसे मेजर पार्ट इज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर वे अ पार्टी और क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन द प्रेजिडेंड टू अपॉइंट दीडर ऑफ द मेजारिटी पार्टी और दलेशन दट एंजॉयी सपोर्ट इन द लोकसभा वेन नो पार्टी को मेजोरिटी इन द लोकसभा दर डिस्क्रिप्शन ओपिनियन कैन मस्ट अ मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा तो बेसिकली ये चूज करते हैं कि तुम खड़े हो और लोग फिर उनको वोट देंगे लीडर्स को चुनते हैं कि कौन कौन खड़ा होगा इलेक्शंस में पूरा सिस्टम प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर की बात ऐसी नहीं होती देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेसिकली काइंड ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है यूएस प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है तो हर एक जगह का अलग अलग यू नो सस्टम है ही हैज अ फिक्स एंड योर ऑफ़ फोर ईयर्स वहाँ पे फोर ईयर्स का होता है एंड पार्टी डज नॉट हैव अ मेजोरिटी इन द कांग्रेस दिस मॉडल इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लैटिन अमेरिका मेनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज गिवन द सेंटर अब ये बता रखा है वो दूसरी जगहों का तो बेसिकली देर फॉर आर सिस्टम जो है हमारा सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाकी जगहों पे किस किस तरीके से होते हैं हमारे देश में तो भैया यही सिस्टम है इलेक्ट होने का पावर्स का प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का ये पूरा प्रोसीजर है अब आती है हमारी जुडिशरी जुडिशरी बोले तो केजीएफ का रॉकी भाई है ना हमारे इंस्टीट्यूशन का रॉकी भाई ये बोल देगा हाँ तो हां ना तो ना डिसीजन इनके हाथ में ही है ऑल द together और इनको हम कहते हैं जुडिशरी इंडियन जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल लेवल की कोर्ट तो बेसिकली सबसे हायर अथॉरिटी कौन सी होगी सुप्रीम कोर्ट इंडिया के पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है यानी कि हमारे यहाँ पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं बेसिकली जो हाई कोर्ट है वो क्रिमिनल केसेस ले रहा है सुप्रीम कोर्ट देशों के बेसिस के देश के बीच में कोई यू you नो know, लड़ाई हो गई तो वो ले रहा है लेकिन ऐसा नहीं है नॉर्मल पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुक जा सकता है लेकिन लोकल डिस्ट्रिक्ट हाई एंड देन सुप्रीम के पास अगर उनको जस्टिस नहीं मिलती है उनको लगता है अगर आपका केस लोकल वाला है आप लोकल के पास जाओगे डिसीजन आया आप उसे सेटिसफाई नहीं हो फिर आप डिस्ट्रिक्ट के पास जाओगे वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो फिर आप लोकल के पास जाओगे नहीं हाई के पास जाओगे वहां पे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम के पास जाओगे तो प्रोसेस किस बात जाना पड़ेगा डायरेक्टली आप नहीं जा सकते कौन से डिस्प्यूट ले रहे हैं भैया सिटीजन्स कंट्री के साथ सिटीजन्स सिटीजन ऑफ द कंट्री लोगों में हो गया लोगों और गवर्नमेंट में हो गया दो स्टेट्स में हो गया गवर्नमेंट में यूनियन और स्टेट लेवल पे हो गया तो ये डिस्प्यूट्स ऐसे ऐसे भी लिए जाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब होता है कि किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के हाथ पे रही कोई लोकसभा नहीं कोई राज्यसभा नहीं कोई प्रेसिडेंट नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हाइस्ट अथॉरिटी जजेस जो होंगे वो कोई भी डायरेक्शन में अपना रूल्स दे सकते हैं वो किसी भी पार्टी के लिए प्रेफरेंस नहीं दिखा सकते कैसे अपॉइंट किया जाता है जजेस को कैसे किया जाता है तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट किया जाता है प्रॉपर जब एक पर्सन अपॉइंट हो जाता है जज के लिए देन उसको नियरली इम्पॉसिबल होता है वहां से हटाना उस पोजीशन से जज को आप रिमूव कर सकते हो इम्पीचमेंट मोशन से जब आप के इम्पीचमेंट मोशन होता है टू थर्ड्स मेंबर जब कहते हैं हाउसेस के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जब दो तिहाई कि ये जज हटना चाहिए two third members, तो वो हटता है Otherwise, इनकी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल होता है क्या पावर्स है मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट इन दाई कोर्ट है पॉलर टू इंटरप्रेट दूशन ऑफ द कंट्री बेसिकली ये बीच में घुस सकते हैं constitution के? ये डेटरमाइन कर सकते हैं अगर कोई लॉ चेंज करना है रिव्यू कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को बता सकते हैं कि नहीं इसमें ये चेंज लाओ चेंजेस लेके आ सकते हैं इनके पास पावर है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स जल्दी से दो मिनट आपके पास फंडामेंटल राइट्स लिख के दिखाओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट जल्दी बताओ जल्दी से फटाफट पता है सबको पता है फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो पैदा होने के साथ ही आपको मिल जाते हैं राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी और बताओ भाई मैं चेक करूंगी तुम्हारे आंसर आ रहे भाई देखती हूँ ये भी पता है कि नहीं पता तो एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट और इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी दर्ज होती है अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है एक्सप्लॉयट करता है तो आप उसके लिए केस दर्ज कर सकते हो उसके लिए पी डाल सकते हो कोर्ट में डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकता है डिस्प्यूट होगा अगर वही वाली बात सिटीजन कंट्री के साथ कंट्रीज में गवर्नमेंट में यूनियन और स्टेट में और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिव्यू डाल सकता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है इसका हाईएस्ट कोर्ट अपील इनकी होती है और सारे फंडामेंटल राइट्स का ये होता है तो ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर जो होता है वो है खत्म होता है हमने यहाँ पे पढ़ लिया हमने इंस्टीट्यूशंस को पढ़ लिया पार्लियामेंट को पढ़ लिया पार्लियामेंट के हाउसेस को पढ़ लिया प्रेजिडेंट को पढ़ लिया उनके पावर्स वो कैसे इलेक्ट होते हैं क्या काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं क्या काम करते हैं हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीआर टी इज कवर्ड इन दिस पीपीटी आपको ये पीपीटी हमारी हमारे ऐप पे मिल जाएगी साइंस एंड फन फॉर क्लास सारी क्लास आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आपको वहां पे एक ही सेक्शन में एसएसटी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी पीपीटीज मिल जाएंगी आपको वहां पे फ्री असाइनमेंट्स मिल जाएंगे फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रखे हैं वो मिल जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें फ्री फंड में मिल रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना बस थोड़ी सी एमबीज लगा के उसको डाउनलोड करना और वाईफाई है, है आजकल वो तो सबके पास चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन ये आपके पांच होमवर्क क्वेश्चन है एज यूजल मैं जो देती हूँ और ये आपको कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देना है और जिसका भी आंसर सही

सब कुछ बीबीडी में पार्लियामेंट क्या होता है इसके चार ऑप्शंस हैं आपको चूज़ करने देन टू फीचर्स ऑफ ज्यूडिशियल जुडिशियल क्या है हमारा जो सिस्टम है जो अभी हमने आखिरी में करा क्या है उसके फीचर्स इनमें से देन विच बॉडी एट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना प्रोटेक्ट करना किसका काम है बस ये सिंपल से प्यारे से प्यारे कूची आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कोई भी डाउट अगर आपको पूरे सेशन से आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज अपना हार्ट मुझे कुछ भी दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है क्लियर है बस जल्दी ही मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बीजे में बताया है आपको सारे के सारे वही आपको करने वही सब है यार

तो बस आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक ढंग से अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना है पीपीटी से पढ़ना है इस वीडियो को दोबारा देख लेना है एग्जाम से पहले बस आपको सब कुछ फटाफट से हो जाएगा क्लियर तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में वन शॉट किसी और चैप्टर के साथ अगर कोई डिमांड है किसी चैप्टर की तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कौन सा चैप्टर मैं नेक्स्ट कराऊं मैं जरूर उसको कंसिडर करूंगी बस मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद